नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप की खास पेशकश रखवाले। रखवाले की इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग हो रही है 30 जुलाई 2021 के दिन को, और आज ही के दिन 34 साल पूरे होते हैं उस घटना को जब पहला भारतीय सैनिक IPKF का श्रीलंका पहुंचा था। एक दिन पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के साथ में पीस अकॉर्ड साइन किया गया था, जिसे लागू कराने के लिए हम वहां पे गए थे। एक बहुत लंबा और बिटर वॉर हम करने के बाद वहां से लौटते हैं। आज हम उसे याद भी करेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या सबक भारत ने उस लड़ाई से सीखे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं संदीप पुनीतन। बहुत बहुत स्वागत है संदीप आपका। धन्यवाद निखिल। संदीप, आज 34 साल हो गए हैं, मतलब नॉर्मली लोग 25, 50, 100 इस तरह के अंकों में ढूंढते हैं जब उन्हें कोई पॉइंट चाहिए होता है, किसी चीज कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है किसी चीज को याद रखने का। लेकिन आप ही के एक पीस में मैं देख रहा था कि ये शायद पहली बार है कि हम थोड़ा रिकग्निशन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक इनफॉर्मल सेरेमनी हुई है दिल्ली में आज, उस पर हम जरूर आएंगे कि क्यों हम भागते हैं उसे। पहली चीज, मतलब हम उतने डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं कि वहां से फिर राजीव गांधी के असैसिनेशन तक, वो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। क्या आप एक ब्रीफ मतलब पिक्चर एस्टैब्लिश कर सकते हैं हमारे दर्शकों के सामने कि जब पीस अकॉर्ड साइन हो रहा था और इस बात को लेकर के साउथ ब्लॉक में विचार चल रहा था कि क्या हमें मिलिट्री इंटरवेंशन करना चाहिए, तो वो थॉट प्रोसेस क्या था? निखिल, ऐसा इसका जो एक शॉर्ट हिस्ट्री मैं बताऊंगा आपको कि श्रीलंका में तो दो कम्युनिटीज है, सिन्हाला मेजॉरिटी है 80% से ज्यादा और तमिल जो है माइनॉरिटीज में है, और कई साल तक वो साथ रहे, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद उनमें कुछ दरार पैदा हुए और 1983 में जो तमिल राइट्स शुरू हो गए और एक बहुत क्राइसिस सिचुएशन हुआ और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि तमिलनाडु और नॉर्दर्न श्रीलंका जहाँ के तमिल रहते हैं वहां पे उनके बहुत क्लोज संबंध है, तो इंडिया को लगा कि ये शायद स्पिल ओवर हो सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट का। इसलिए उन्होंने पहले, जैसे सब जानते हैं अब, कि हमने तमिल्स की मदद करने शुरू कर दी, उनके ट्रेनिंग और उनको काफी सारे कैंप्स में ट्रेन करना शुरू किया क्योंकि हमें लगा कि बाहर से लोग इंटरवीन करने वाले हैं, तो इससे पहले हम ही चले जाते हैं और ये करते हैं, और उस तरह के एक एक छोटे से एक गेम चल रहा था काफी सालों से। और 87 में गवर्नमेंट का ये मानना था कि हमें एक अकॉर्ड करना चाहिए, इसके पॉलिटिकल सेटलमेंट, हर हर मसले का हल एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही है, इसलिए उन्होंने कैसे भी एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन फॉर्मुलेट करके श्रीलंका को बता दिया कि आपको ऐसा करना है, उनको अकोमोडेट करना है। और ये पीस अकॉर्ड को हम गारंटर के तौर पे इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी को हम भेजते थे, एक डिवीजन को, काफी जो 15,000 से ज्यादा सोल्जर्स हैं। लेकिन उस वक्त उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं था कि इसका प्लान बी क्या हो सकता है, क्या ये इज है या कोई तमिल ग्रुप जो है हम पे टर्न हो सकता है, ये उन्होंने बिल्कुल कैलकुलेट नहीं किया। एंड वो सबसे बड़ी फ्लॉ है इस थॉट प्रोसेस में कि उन्होंने वो कंटिंजेंसी प्लान नहीं किया, उसके क्या IPKF को आपने भेज दिया वहां पर, लेकिन उनके क्या जिम्मेदारी होगी अगर कोई वायलेंस हो गया या इस तरह की, तो इट एक्चुअली बिकेम अ क्राइसिस। जैसे आप जानते हैं अभी इट इज नाउ वेरी वेल नोन क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो गया और फिर श्रीलंका ये LTTE और इंडियन आर्मी के बीच जो लड़ाई शुरू हुई काफी सालों तक चला, 2 साल से ज्यादा, और जो हमारी जो डिप्लॉयमेंट वो बढ़ता गया लेकिन वो कुछ एंड दिख नहीं रहा था हमें। और बिल्कुल कई सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये इंडिया का वियतनाम है या जैसे कि इंडिया का अफगानिस्तान है, अगर उस समय देखे जैसे सोवियत यूनियन भी अफगानिस्तान में डिप्लॉयड थी उस वक्त, तो यही प्रॉब्लम था। और इसी वजह से इसे ज्यादा रिकग्निशन नहीं मिला इतने सालों तक, तो क्योंकि एक तरह से एक मडल सा एक ऑपरेशन था, इसकी कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं थी, उसको एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा जा रहा था और एक इंडिविजुअल के साथ जुड़ा जा रहा था, इसलिए जब सरकार बदल गई तो उनका रवैया भी बदल गया IPKF की तरह, तो इसलिए इस ठीक इसी वजह से ऑलमोस्ट 30 साल से ज्यादा 34 ईयर्स से उनको कोई रिकग्निशन नहीं मिला है। और आयरनी की बात यह है कि श्रीलंका ने हमारे जवानों के लिए एक वॉर मेमोरियल बना है 1600 से ज्यादा कोलंबो में,
और इंडिया में सिर्फ एक मेमोरियल है और वो है भोपाल में 21 कोर हेडक्वार्टर्स में, और मुझे बताया जा रहा है कि वहां पे एक सेरेमनी जो कल वो ऑर्गेनाइज करने वाले थे उसे एक्चुअली वीकेंड पे शिफ्ट कर रहे हैं वो, और क्योंकि वहां पे कुछ कमांडर्स बदल रहे हैं, तो वो दोनों एक साथ करना चाहते हैं ये सेरेमनी और ये हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर सेरेमनी। तो 21 कोर जो पहले IPKF हेडक्वार्टर्स हुआ करती थी और जिसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया 21 कोर में, उसकी जो मेमोरियल है सिर्फ एक ही जगह पे, और ये बहुत ही एक दुखद एक स्थिति है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी हो, जिसने भी डिसीजन लिया हो या उसकी उसका नतीजा कैसे भी हो, ये एक्चुअली इंडियन जवान थे जो गए, इंडियन ऑफिसर्स थे, इंडियन जवान थे, हमारे ही फौजी थे जी। तो अगर हम उन्हें रिकॉग्निशन नहीं देंगे तो और कौन देगा? और एक तरह से ये सवाल श्रीलंका ने भी आंसर किया 14 साल पहले जब उन्होंने ये मेमोरियल बना दिया कि हम एक्चुअली उनको रिकॉग्निशन कर, क्योंकि वो आए थे हमारे पीस अकॉर्ड इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये एक्चुअली वन ऑफ द वेरी सैड स्टोरीज निखिल, और मतलब इन द लास्ट 70 इयर्स जो दो ऐसे दुखपूर्ण किस्से हैं, एक तो है 1962 वॉर जिसे हम बिल्कुल पूरी तरह से भूलना चाहते हैं, और इस अक्टूबर को 70th एनिवर्सरी शुरू हो जाएगा उसकी, जो 70th ईयर शुरू होगा। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड लाइन ऑफ थिंकिंग कि जो हम सिर्फ विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं और डिफीट हो या इस तरह के डिप्लॉयमेंट्स हो, हम बिल्कुल भूलना चाहते हैं इसे। इट शुड बी वन पॉलिसी फॉर एवरीथिंग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज द इंडियन सोल्जर, इट इज द इंडियन ऑफिसर, इट इज द इंडियन जवान हु हैज फॉट, और उन्हें हमें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। बिल्कुल, और हम हमेशा कहते हैं कि रखवाले बीन काउंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं, हमारा कंसर्न दूसरा होता है, पर फिर भी अगर आपको नंबर्स में देखना है तो इंडो सिनो इंडो वॉर जो आपका हुआ था उसमें 1383 का आपका बैटल कैजुअलिटीज थी डेथ्स में, श्रीलंका के साथ जो हमारा होता है उसमें 1240 है, मतलब ऑलमोस्ट कंपेयर लगभग बराबरी का नुकसान हमने उसमें उठाया है। संदीप, ये तो हम समझ गए हैं कि उसको लेकर के हमारा अनुभव बड़ा खराब था और उसको लेकर के उसे हमें स्वीकारने में भी बड़ी दिक्कत हुई, चाहे वो सर्विसेज के लेवल पे हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे हो। मैं समझना चाहता हूँ कि जब हम श्रीलंका जाते हैं तब हमारे पास वो कॉन्फिडेंस होता है कि हम एक देश के दो टुकड़े करके हम उस चीज को लागू करवा चुके थे 1971 में, और उससे पहले कई सारे हम आपके जो कन्वेंशनल एंगेजमेंट्स हैं उनमें भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत खराब नहीं रहा था, अगर आप 1962 को अलग रख देते हो। क्या वो किस तरह का माहौल था, क्या किसी तरह का हाउ डू आई पुट इट, क्या किस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस हमारे दिमाग में था, क्या हमने रियलाइज नहीं किया था कि हम वहां जाकर के किन कंडीशंस में डिप्लॉय होंगे, हमारे पास कैसे चैलेंजेस होंगे, हमारी ट्रेनिंग टैक्टिक इक्विपमेंट उसमें किस तरह की कमियां थी? लेकिन ये जो आपने बताया हर इंस्टेंस में हमारी कमियां रिवील किए गए, चाहे वो ट्रेनिंग हो, टैक्टिक्स हो, ऑपरेशंस हो, इक्विपमेंट हो, सभी ऑल इन ऑल हेड्स वी हैव बीन यू नो वेरी पुअर, और ये हमने वी डिड नॉट थिंक दिस थ्रू। जैसे कि 1971 की जो डिप्लॉयमेंट है हमने सारा वी प्लान फॉर इट प्रिपेयर किया, 9 महीने तक उन्होंने प्लान किया क्या करना है, कैसे करना है, एंड ऑल दैट, एक तरह से इट वाज अ प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन। लेकिन IPKF का इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ नीजर, किसी ने कुछ सोचा नहीं है, और यहाँ तक कि काफी सारे मेमोयर्स में ये साबित हो रहा है कि इट इज एक्चुअली मोर ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस रादर देन एनीथिंग एल्स, कि आपने आर्मी को बुला के पूछा कि भाई हम क्या ये कर सकते हैं, तो आर्मी ने बोला हाँ क्यों नहीं, हम बिल्कुल चले जाएंगे। और इसमें ऐसे दो बहुत सारे किताबें आए, लेकिन दो ऐसे बहुत अच्छे किताबें जो हमारे दर्शक अगर वो और पढ़ना चाहते हैं, तो एक है जो हरदीप पुरी जी जो अभी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक लिखा है एक पेरिलस इंटरवेंशन करके कुछ साल पहले, जिन्होंने उन्हें वो एक्चुअली एक की फिगर थे उस IPKF अकॉर्ड के समय, वो फर्स्ट सेक्रेटरी थे कोलंबो में, उन्होंने भी साफ ये कहा कि इट वाज एक्चुअली अ वेरी इन हाइंडसाइट इट वाज वेरी पुअरली प्लान्ड और इट वाज नॉट द करेक्ट थिंग टू डू। और एक दूसरी किताब अगर आप एक प्रैक्टिकल लेवल से अगर आप समझना चाहते हो, वो है ब्रिगेडियर रवि पलसोरकर, जिन्होंने एक किताब लिखी कुछ साल पहले जिसका नाम है आवर्स नॉट टू रीजन, और उस टाइटल से ही आपको पता चलता है कि किस तरह की एक डिप्लॉयमेंट थी, कि आप किसी को कुछ पता नहीं था क्या हो रहा था, क्यों भेजे जा रहे हैं, और जिन लोगों को हम प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं उन्हीं लोग के साथ हम लड़ाई करने लगे हैं,
और ये सेंटिमेंट जो है निखिल, एंड दैट इज द सैड पार्ट, ये आईपीकेएफ की जो डिप्लॉयमेंट है, अगर आप जाफना में जाके लोगों से बात करते हो, आम जनता से बात करते हो, जैसे मैंने किया, दो बार मैं गया हूँ वहां पे कुछ साल पहले, और वहां की जो ओवरवेलमिंग सेंटिमेंट जो है कि वो लोग हमें ये पूछ रहे, जब हम कहते हैं कि हम इंडिया से आए जर्नलिस्ट है, वो कहते हैं आपने आईपीकेएफ क्यों भेज दिया, आप प्रोटेक्टर के रक्षक बन के आ गए और हमारे मतलब हमें लड़ने लगे, हमारे लोगों को मारने लगे, उस तरह की जो सेंटिमेंट है वो अभी भी है, काफी बिटरनेस है खास करके ओल्डर जनरेशन में। तो और फिर श्रीलंका के जो सिचुएशन है, जैसे आप जो जिस तरह से श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उसको सॉल्व किया या सॉल्व नहीं किया 2009 में, वो सबको पता है क्या हुआ वहां पे, उन्होंने मिलिट्री ऑप्शन चुना और जो जो तमिल पॉपुलेशन को जो बेनिफिट्स मिलने वाले थे इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड से, वो अभी इट इज ऑफ द टेबल जब वो मिलिट्री डिफीट के बाद, अब तो उसके वो फाइनल हो गया, वो बिल्कुल उन्होंने फाइनल बिल्कुल बात खत्म हो गई। तो इट इज एक्चुअली इन हाइंडसाइट अगर आप देखोगे, इट वाज द बेस्ट डील ये सारे तमिल ग्रुप्स के लिए 1987, लेकिन उन्होंने उनको लगा कि नहीं हमें इंडिपेंडेंट इलम चाहिए, जो इंडिया हमेशा ये कहती है कि हम श्रीलंका का बंटवारा कदापि नहीं चाहते थे, तो वी ओनली वांटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एक तरह से प्रोटेक्शन हो तमिल ग्रुप्स के। संदीप, अगला प्रश्न हमारा डॉक्ट्रिन के लेवल पे है, जब हम एज आईपीकेएफ वहां से जाते हैं और फिर जब आईपीकेएफ की फॉर्मेशंस वापस आती हैं और फिर इंडिया में डिप्लॉय होती है, उसमें से बहुत सारे बैटल हार्डन डिविजन्स आपके जो काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशन जांच नॉर्थ ईस्ट में उस टाइम ज्यादा चल रहा था, बाद में आपने उनको पंप इन किया कश्मीर में, तो हमारे उस लेवल पर हमारी सीख, हमारे सबक क्या रहे, कौन से लेसन थे आईपीकेएफ के जो इंडियन आर्मी ने फिर फॉर गुड और बैड अपनाए, पहला सवाल एक वो मैं रखना चाहता हूँ। दूसरा, आपके भी पीसेस में और तमाम जो राइटिंग्स हैं, एक में ब्रिगेडियर ज़क्सीर सदरान वाला का भी पीस पढ़ रहा था, आप ही के मार्फत वो शेयर हुआ था, वो देखा हमने, मैंने ये देखा कि उसमें जब हम श्रीलंका पहुंच गए, एक पहुंचने के बाद आपका वो कन्फ्यूजन खत्म है कि ये लड़ाई करनी है कि नहीं, उसके बाद तो आप फील्ड पे हो, उसके बाद में भी हमने बहुत सारा टाइम ले लिया वहाँ चीजों को वाइजअप होने में, है ना, सीखने में, समझने में, तो वो कन्फ्यूजन क्या था विद इन आर्मी कि हमें वहां पहुंचने के बाद क्या करना है, क्या उसको लेकर भी क्वेश्चंस थे? बिल्कुल निखिल, ये इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, दो इट वाज नॉट अ रेगुलर ऑपरेशन, ये आप एक किसी और कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो, इट मे बी वेरी क्लोज टू योर थिंग बट इट्स एक्चुअली अ फॉरेन कंट्री और यू आर ऑपरेटिंग गिरिला वॉरफेयर देयर, और जो इंडियन आर्मी 1950 से लगातार नागा इंसर्जेंसी फाइट कर रही थी, और वो उन्हें एक्चुअली बहुत सारे लेसन्स वहां पे दे हैव अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हाउ गेरिला वॉरफेयर हैपेंस एंड ऑल, बट किसी वजह से आई थिंक देयर वाज नॉट इनफ लेसन्स लर्न फ्रॉम द नागा इंसर्जेंसी, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज हैं दोनों इंसर्जेंसीज में, नागा और ये तमिल इंसर्जेंसी में, और मुझे शायद लगता है कि उन्होंने एक्चुअली उसको कोडिफाई नहीं किया था, दे डिड नॉट मेक अ डॉक्ट्रिन आउट ऑफ इट, और उतना फोकस नहीं किया काउंटर इंसर्जेंसी पे जितना उन्हें करना चाहिए था, लेकिन 1987 ये आईपीकेएफ डिप्लॉयमेंट के बाद बहुत सारे टैक्टिक्स चेंज हो गए, और जैसे आपने कहा सीधा उसके बाद वो कश्मीर में चले गए और अब तक वहां है ऑलमोस्ट थ्री डेकेड्स लेटर। सबसे एक इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर जो आ गई है हमारे पास 1987 के बाद वो है AK-47 राइफल, और तब तक इंडियन आर्मी जैसे आपने पढ़ा होगा SLR से काम चला रही थी, और फिर उन्होंने फील्ड में उसे इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की, वो फेल हो गया, फिर रातों रात गवर्नमेंट ने एक IL-76 जहाज भेज दिया ईस्टर्न यूरोप में, जहां पे उन्होंने ऑलमोस्ट पैसे देके खरीदे ऑफ द शेल्फ AK-47 ट्रूप्स को डिप्लॉय करने के लिए। तो इस तरह की जैसे मैं कह रहा था, नोबडी थॉट इट थ्रू कि अगर हम गिरिला से फाइट कर रहे हैं तो क्या इक्विपमेंट, हमारी इक्विपमेंट ठीक है, एक तरह से अगर हम डिस्क्राइब करें तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था हमें 1971 वॉर के बाद, जो एक बहुत एक बड़ी विक्ट्री थी, जो बहुत कम देशों ने ऐसी विक्ट्री पाई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि आपने एक दूसरे आर्मी के पूरे मतलब गैरिसन को आपने पकड़ लिया, सरेंडर करने पे मजबूर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर भी साइन करा दिया, तो शायद मुझे लगता है 15 साल ये 16 साल की जो बाद जो है थोड़ा सा एक
और ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, हमने ठीक से रिसर्च नहीं किया. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज निखिल जो है, जो हम मिसकैलकुलेट करते हैं, और ये हम अकेले नहीं है, सभी कंट्रीज ऐसे मिसकैलकुलेट करते हैं जब ऐसे इंटरवेंशन करने जाते हैं, वो फाइटिंग विल जो है लोकल्स की आप अंडर एस्टिमेट करते हो. चाहे आप अफगानिस्तान में हो, या फिर वियतनाम में, या इराक में, सीरिया में, जहां भी आपने देखा हो कि आपने हमने लोकल्स को अंडर एस्टिमेट किया कि शायद ये भी हो सकता है कि IPKF ऑपरेशंस में यही एक कमी आ गई, क्योंकि एक तरह से हमें ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमने, ये तो हमारे लड़के हैं, ऐसे उनको लड़के कहते थे, हमारे बॉयज हैं वो, तो ये हमसे क्या लड़ेंगे, हम जाएंगे और वो हाथ उठा के आ जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट. लेकिन हमने ये मिसकैलकुलेशन जो किया कि किस हद तक वो तमिल ईलम चाहते थे, एक इंडिपेंडेंट श्रीलंका, एक इंडिपेंडेंट तमिल नेशन चाहते थे श्रीलंका में, वो हमने उसकी उस डेप्थ ऑफ फीलिंग को समझने में बहुत बड़ी गलती की. और जब IPK वहां पहुंच गए, फिर उन्होंने जिस तरह की जो वर्चुअली सुइसाइडल अटैक्स जो लॉन्च करते थे IPK, ये LTT और तमिल फाइटर्स जो है, वो टोटली अनप्रिपेयर्ड थे इस तरह की जो वॉरफेयर है. तो जैसे ब्रिगेडियर एडन वाले लिखते हैं, वहां पे सभी जो है हमारे खिलाफ थे, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े हो. ऐसे केसेस हैं जहां पे एल्डरली लेडीज ने उठा के हमारे ऑफिसर्स को मारे हैं. इस तरह से एक तरह से दहशत फैल गई थी, उनके स्नाइपर्स जो थे वो ऑफिसर्स को टारगेट करते, बहुत ही एक शातिर एडवर्सरी थी LTT, जो हमें बहुत समय लगा इसको समझने में. और ऑन द ग्राउंड ऑल्सो बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स हुए, जो चार जो डिविजन्स वहां पे डिप्लॉयड थे वो अलग अलग बैटल्स फाइट कर रहे थे, हर डिविजन अपने अपना काम कर रहे थे, वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं थी, जबकि ये एक बहुत ही एक बढ़िया एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता था हमारे मिलिट्री के लिए जॉइंटमैनशिप को लेकर, जो आज हम बात कर रहे हैं मोर देन 30 ईयर्स लेटर की तीनों को एक इंटीग्रेट करके एक थिएटर कमांड में रख देने चाहिए. वो उसकी जो लेसन्स IPKF ऑपरेशन है, वो एक्चुअली हमें ठीक से अपने हमने डिस्टिल नहीं किया इसको, क्योंकि उसके बाद भी हम बिल्कुल वही सिंगल सर्विस अप्रोच पे चलते रहे. लेकिन जबकि यहाँ पर एक नेवी जो है सपोर्ट दे रही थी, ट्रांसपोर्ट कर रहे थे ट्रूप्स को, और स्पेशल ऑपरेशंस भी कर रही थी, एयरफोर्स तो क्लोज एयर सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी, ट्रांसपोर्ट, कैजीवैक, और आर्मी तो थी ग्राउंड पे. तो एक्चुअली दिस वॉज अ वेरी गुड आइडिया टू स्टडी. लेकिन एक बहुत दुखद ये सच्चाई हमारे सामने जो आती है कि हम जो भी हम ऑपरेशंस में हम डिप्लॉय होते हैं, हम इसे एक मात्र एक वॉर हिस्ट्री की तरह हम उसको देखते हैं कि हमने पहले ऐसे किया था, हमने वैसे किया था, जबकि हमने सब जगह हमने ऑपरेट किया, चाहे वो वजीरिस्तान में हो, मैं प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करूँ, वजीरिस्तान में हमने एयरलैंड बैटल फाइट किया है एयरफोर्स और आर्मी ने, और उस वक्त तो एयरफोर्स नहीं था, इट वॉज आर्मी एयरफोर्स. एंड फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में म्यांमार में एयरलैंड बैटल फाइट किया, फिर इस तरह की आउट ऑफ एरिया कंटिजेंसी श्रीलंका, ऐसे के. लेकिन हमें ऐसे कोई डॉक्ट्रिन्स नहीं मिलते हैं जहां से हमने इसको, इस वॉर को बहुत क्लोजली स्टडी करके लेसन्स ड्रॉ किए कि ऐसे ऐसे करना चाहिए जब हम यहाँ डिप्लॉय करते हैं, दीज आर द थिंग्स, वेदर क्या है, फाइटिंग कंडीशंस क्या है, लोगों की क्या हिस्ट्री, इस तरह की डिटेल स्टडीज हमने कभी नहीं किया. और ये एयर वाइस मार्शल सुब्रमण्यम की किताब है, दो बहुत बढ़िया किताब लिखे हैं उन्होंने, इंडियाज वॉर्स और ये फुल स्पेक्ट्रम, दो किताब है जो एक्चुअली एवरीबडी शुड रीड, जो भी इंटरेस्टेड है मिलिट्री हिस्ट्री में, खास करके इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में. जब आप ये पढ़ोगे तो ये लेसन सामने आता है कि हमने सारे हमारे जो भी एंगेजमेंट्स है कॉम्बैट ऑपरेशन, उसको स्टडी करके लेसन लर्न नहीं किए. मतलब आप संदीप, आप स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, स्कॉलरशिप तो चलिए एक नॉच ऊपर की बात है, अभी पिछले दिनों ये चीज़ काफ़ी डिस्कस भी हो रही है कि इनफैक्ट हमारी मिलिट्री हिस्ट्री को जिस तरह से लिखा जा रहा है, जो लड़ाइयां हमने लड़ी हैं, जो एंगेजमेंट्स हमारे हुए हैं, उनमें भी बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस वो नहीं है जिस तरह से उन सारी इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसको लेके काफ़ी असंतोष भी है कि जो चीज़ें रिकॉर्ड में जा रही हैं. तो आपकी आने वाली पीढ़ी अगर उसमें स्कॉलरशिप करती है तो वो गलत निष्कर्ष पे ही पहुंचेगी, क्योंकि आपने उसको रिकॉर्ड ही ढंग से नहीं किया. ठीक है संदीप, एक
मतलब हमारी काफी बात हो गई है जो हमारा IPKF का वहां पे मिशन था, एक छोटा सप्लीमेंट्री सवाल था, आप उसका जवाब दे चुके हैं ऑलरेडी एक बड़े उसमें, एक स्पेसिफिक मेरी क्वेरी थी, आपने कहा कि अगर हमारा नागा इंसर्जेंसी का एक्सपीरियंस हमने श्रीलंका में डिप्लॉय किया होता तो हमारी स्थिति उतनी खराब नहीं होती, ठीक है आपने नहीं किया, जब हम श्रीलंका से वापिस आए तो क्या वो लेसन्स नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉय किए गए, मेरे ख्याल वेरेंटे में उन लोगों ने गरिल्ला वॉरफेयर स्कूल खोल उसके बाद खोला मेरे ख्याल, या फिर उससे पहले I think it was around that time, 80s में ही खुला, I'm not sure of the exact date, but Nikhil, उस वक्त I think the Naga Accord had already been signed, तो एक तरह से एक breather मिल गया था हमें, so we did not have to fight the Nagas, and that accord more or less it has held, तो जिस तरह की intense fighting हम कर रहे थे 60s में या 70s में, उसको हमें करना नहीं था, और अगर आप इंडिया का एक चित्र पढ़िएगा अगर 1980s की जो mid 80s खास करके, कि हम नागा इंसर्जेंसी से निकल के श्रीलंका में घुस गए और फिर श्रीलंका से जाके वी ऑलरेडी फाइटिंग एन इंसर्जेंसी इन पंजाब, और दिस इज अनदर चैप्टर निकल जो हमने फुली स्टडी नहीं किया, क्योंकि इंडियन आर्मी काफी हद तक इन्वॉल्व थी इंसर्जेंसी इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने में पंजाब में, खास करके 1984 के बाद, लेकिन उससे ज्यादा स्टडी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि खास इंडियन आर्मी यूनिट्स डिप्लॉयड थे, क्योंकि उस वक्त पैरामिलिट्री और पुलिस के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी जो कि आज है, तो वो ऑपरेशन भी हमने ठीक से स्टडी नहीं किया, और वो शायद हमारे पहला अर्बन इंसर्जेंसी था जो हमने इंडियन आर्मी ने फाइट किया एक शहर के अंदर या टाउन्स के अंदर, फाइटर्स कैसे फाइट करते हैं, यू नो डिफरेंट टैक्टिक्स हैं उनके, वो सब हमने स्टडी नहीं किया, तो दैट इज अनदर थिंग, और फिर वहां से निकलकर फिर सीधे मतलब हम जम्मू एंड कश्मीर पहुंच जाते हैं 1980s लेट 80s में, तो इट वॉज अनएंडिंग साइकिल ऑफ इंसर्जेंसी, और उसी वक्त हमें समझ लेना चाहिए था कि मे बी दिस वॉज अनदर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन दैट वी शुड फोकस ऑन, लेकिन निखिल एक आदमी जो थे IPKF के समय बहुत ही एक थिंकिंग जनरल माने जाते हैं, मुझे लगता है उन्होंने काफी सारे लेसन्स ड्रॉ किए इस एपिसोड से, और वो है जनरल BC जोशी जो DGMO थे IPKF समय पे और 1987-88 में, जनरल जोशी जब चीफ बने तो उन्होंने एक्चुअली प्रपोज किया था राष्ट्रीय राइफल्स का जो कॉन्सेप्ट है, कि एक ऐसे एक स्पेशलाइज्ड फोर्स को, कि वो नहीं चाहते कि इंडियन आर्मी के जो फाइटिंग इथॉस है वो काउंटर इंसर्जेंसी से डाइल्यूट हो जाए, उन्होंने ऐसे एक स्पेशल फोर्स रेज करने का प्लान किया था जो एक बहुत बढ़िया आइडिया था, इट वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम, और वो एक्चुअली इट इज नाउ बिकम एक्सपेंडेड एंड इट इज बिकम वेरी वेरी मतलब 66 बटालियन से ज्यादा हो गए वो, बट दैट आई थिंक इज द बिगेस्ट लर्निंग आउट ऑफ द IPKF, लेकिन दैट इज जनरली इट इज क्रेडिटेड टू जनरल जोशी, ये जो थॉट प्रोसेस है कि वी नीड अ स्पेशल काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स, और एक छोटी सी चीज जो आप बता रहे थे जितने इंसर्जेंसी हमने फाइट की उसमें से पंजाब पे शायद इसलिए भी बात नहीं होती है, आप इस चीज को सेल्फ फिर भी कर सकते हो, श्रीलंका में क्या हुआ था या नागालैंड में क्या हुआ था या आपने कभी मिजोरम में आपने एयरफोर्स इस्तेमाल की थी, ये आप कभी समझा नहीं सकते हो पंजाब में भी और बाकी देश को भी कि वहां पे आपके ऑपरेशन में जिस भी तरह का फ्रिक्शन हुआ है आपका वहां पे जनता के साथ में, उस चीज को अभी पॉलिटिकली कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार होगा ही नहीं, इसीलिए शायद वो उस बारे में बात करना पसंद भी नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक है संदीप, अगली स्टोरी पे चलते हैं श्रीलंका, आप कोई और कोई चीज ऐड करना चाह रहे थे IPKF पे या फिर हम चलें आगे? नहीं नहीं लेट्स मूव अहेड, ठीक है 2021 में आते हैं 34 साल आगे, और जब इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग हुई है एक दिन अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं जब ये बात ब्रेक हुई प्रेस में कि हम 30 MQ-9 रीपर ड्रोन्स लेंगे, आर्म्ड वर्जन्स उनके लेंगे, सिर्फ रिकॉनिसेंस के लिए नहीं होंगे, हम इन पे अटैक की संभावना को भी दिमाग में रख रहे हैं। संदीप ये स्टोरी काफी समय से इस बात की चर्चा थी लेकिन इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी कि आप लीज करने वाले हो या आप खरीद लोगे, मैं इन दोनों चीजों पे क्लैरिटी चाहता हूँ, Y-31 और दूसरा ये लीज और परचेज में से आपका डिसीजन मेकिंग कैसे हुआ है? निखिल ये बात शुरू होती है कुछ साल पहले जब नेवी ने प्रपोज किया कि उन्हें 22 जो है सी गार्डियन ड्रोन्स चाहिए थे और उन्होंने ये केस फ्लोट किया और उस वक्त सरकार ने कहा, मुझे लगता है 2015 या 16 की बात है, 4-5 साल पहले, क्योंकि उन्हें रिकॉनिसेंस और आर्म ड्रोन हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन की बहुत जरूरत सख्त जरूरत थी और DRDO ने कहा कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं कुछ पीछे चल रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं ये 22 को जो क्वांटिटी है
लेकिन सरकार ने एक डिसीजन लिया कि एक सिंगल सर्विस को हम इतने सारे ड्रोन्स नहीं दे सकते हैं, और एक बहुत वाइज सोल्यूशन है. तो इसलिए कुछ सालों से नेवी और इसके जो मेन ड्राइवर्स जो हैं वो नेवी है और एयरफोर्स है, जो जो कि सबसे ज्यादा जो कॉम्बैट फ्लीट्स मेंटेन करते हैं. तो नेवी हैड टू ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स यू नो ड्राइव दिस एक्विजिशन. सारी जो एक्विजिशन प्रोसेस है इट्स ड्रिवन बाय द नेवी. सो इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, फिर लास्ट कपल ऑफ मंथ्स एक्चुअली, उन्होंने एक डिसीजन पे आ गए कि दे विल नाउ टेक 30 ड्रोन्स, 10 फॉर ईच सर्विस, और 10 फॉर एयरफोर्स, 10 फॉर आर्मी और 10 फॉर नेवी, और एक प्लेटफॉर्म उन्होंने चूज कर लिया जो कि इट इज बेस्ट फॉर ऑल थ्री सर्विसेज. और नेवी ने पिछले साल दो ये MQ-9Bs लीज भी कर दिए, एंड वो काफी, दे आर वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, क्योंकि जो कैपेबिलिटी लेवल है आपकी इसके आने से, इट इज लाइक इट इज गॉन अप 10 टाइम्स. जो डेटा आ रहा है आपका मलाका स्ट्रेट्स में हो या जो जहां पे भी उन्होंने डिप्लॉय किया है, इस तरह की जो डेटा आपको आ रहे हैं वो पहले आपको ये कैपेबिलिटी नहीं थी आपके पास कि एक परसिस्टेंट सर्वेलेंस कैपेबिलिटी जो है पहली बार आपको आपके पास आ गई है. तो नेवी बहुत खुश है इस एक्विजिशन से, और वो दोनों और दो और सर्विसेज है उनको मनाने में लगी थी कुछ महीनों से. और फाइनली जो एयरफोर्स जो सबसे बड़ी ऑब्जेक्टर थी, क्योंकि वो उनका ये कहना था कि आप एक जो ड्रोन्स ले रहे हैं इसका जो कॉस्ट है मैन्ड एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है. जो 900 करोड़ एक ड्रोन की जो कॉस्ट बता रहे हो, और वो हथियार शायद इंक्लूडेड है इस 900 करोड़ में, बट इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव डील, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो. तो फाइनली आई थिंक द नेवल नेवी की जो मत है वो इट हैज प्रिवेल्ड, एंड नाउ दे हैव गॉट ऑल द अदर टू सर्विसेज. और बताया जा रहा है कि इसकी जो AON है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, बहुत जल्द DSC तय करेगी. और इसका जो एक्विजिशन प्रोसेस है वो काफी समय लगेगा, इसे आई थिंक अनदर एक दो साल तो आराम से लगेंगे. और इट्स अ वेरी बिग एक्विजिशन निकल, जो 22,000 करोड़ की जो एक्विजिशन है, तो द गवर्नमेंट विल हैव टू नाउ सिट एंड थिंक कि क्या हमारे पास पैसा है, प्रायोरिटीज क्या है. लेकिन इसे एक हाई प्रायोरिटी आइटम के तौर पर पुश किया जा रहा है, क्योंकि हाँ ऑल थ्री सर्विसेज से वी नीड इट. और इसमें एक और एक चीज जो है निखिल, हमेशा जो हम बात करते हैं जब एक कोई नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आती है, तो हम वी डोंट फोकस एडिक्वेटली ऑन एक्वायरिंग दैट टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम हमेशा रियर व्यू मिरर में देख के चला रहे गाड़ी कि पहले हमने क्या ऑर्डर किया वो हमें आज चाहिए. और जब तक कि आपकी रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी हैव ऑलरेडी यू नो बिगन चेंजिंग, जैसे एक खास दिस प्रेडेटर, these drones, this concept has been around for about 10-15 years. Aur humne, we have allowed that to be a DRDO project only. Jabki it should have been a tri-services project. This should have been a tri-services project with DRDO, industry, all of that. Ek national effort ke taur pe hume push karna chahiye tha 10 saal pehle. Kyunki jo baaki desh kar rahe hain aaj, jinhone invest kiya, jaise Turkey, Israel, aur wo us इन्वेस्टमेंट्स के अब बेनिफिट्स रीप कर रहे हैं जियोपॉलिटिकली, जैसे टर्की है, इट हैज वर्चुअली बिकम अ ड्रोन सुपर पावर. हाँ, वो एक्सपोर्ट कर करके लोगों को लड़ाइयां जितवा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाइयां जितवा रहे हैं, और एक तरह से एक इंस्टेबिलिटी भी पैदा कर रही है, क्योंकि आप ऐसे छोटे वॉरलॉर्ड्स को भी बता रहे हो कि देखिए अगर आपके पास ऐसे 10 ड्रोन आ गए तो आप जंग जीत सकते हैं. तो इस तरह के सपने दिखा रहे हैं बहुत सारे लोगों को आपने, तो एक तरह से इंस्टेबिलिटी भी पैदा करे. लेकिन हमारी जो है, इट इज आवर रिक्वायरमेंट इज नॉट सो मच फॉर एक्सपोर्ट एज मच एज आवर, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट, जैसे जानते हैं वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर. तो इस तरह से एक विशियस साइकिल से निकलने के लिए वी शुड ऑलवेज बी प्लानिंग निकल, और एंड दैट इज व्हेन R&D इन्वेस्टमेंट्स दे आर सो इम्पोर्टेंट. कुछ हफ्ते पहले मैं गया था IIT दिल्ली, और वहां पे मैं कुछ एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स थे जो एक कंपनी चलाते, छोटी सी कंपनी स्टार्टअप है बॉट लैब्स करके, हम बात भी कर चुके हैं इस पर. वो उन्हें सिर्फ 50 लाख रुपए मिले हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और वो 50 लाख उन्होंने डिप्लॉय करके एक स्वॉर्म ड्रोन कॉन्सेप्ट उन्होंने शुरू किया. एंड दैट इज सो यूनिक कि आपने एक साथ वो 70-80 ड्रोन फ्लाई करते हैं, और वो स्टेज वन पे ही है, वो दे वॉन्ट टू गो टू स्टेज टू, स्टेज थ्री एंड ऑल दैट. बट माई पॉइंट इज दैट निखिल, दीज काइंड ऑफ technologies, they have to be incubated up. You have to identify
द राइट पीपल टू डू इट और उनको फंडिंग सपोर्ट देने चाहिए. ये नहीं कि नहीं, यू कैन नॉट बी अ बाबू कि अरे आपने 1 करोड़ खर्च कर दिया यू नो और या 2 करोड़ खर्च कर दिया. व्हाट दैट काइंड ऑफ थिंग कैन नॉट बी डन, क्योंकि बाकी जो देश किए हैं दे हैव पंप्ड इन अ लॉट ऑफ आरएनडी मनी इनटू दिस, दे हैव आइडेंटिफाइड द थिंग. और जैसे हमने कहा टर्की इज अ क्लासिक केस, दे हैव रीप्ड द बेनिफिट्स. अगर आप ये नहीं करोगे, इफ यू डोंट एक्ट इन टाइम, देन यू विल बी, वी विल बी सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट यू नो 900 crores per drone. ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि you know it is a you know buyers sellers market. बहुत कम countries हैं, आपने invest नहीं किया तो आपको अब देने पड़ेंगे. अब हाँ, वो जितने देना चाहता है उतना लेना है तो लो, वैसे बिल्कुल बिल्कुल लेना है तो लो, नहीं तो फिर दूसरा. संदीप, एक जब मैं ये आपके लिए क्वेश्चन हम निकाल रहे थे तो उसमें मतलब मुझे नहीं मालूम है कि ये सवाल ही अपने आप में सही है या नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूछने का रिस्क लेना चाहता हूँ. जैसे आपने भी हिंट किया कि ड्रोन का जो कॉन्सेप्ट है और वो टेक्नोलॉजी, वो 15 साल से दुनिया में चल रहा है. एक दूसरा उदाहरण लेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा. अपैचीज आप अभी लेकर के आ गए हो, यूएस में आप जाकर के देखेंगे तो वो अपैची से वो वैसे ही ग्रेजुएट, उनका FAR है अभी, वो मेरे ख्याल इस डेकेड में वो लोग ला करके इंडक्ट करके उनकी कई सारी यूनिट्स हो जाने वाली है, वो आर्मी को दे देंगे. क्या ऐसा हो जा रहा है हमारे साथ कि हमको सोचने और फैसले लेने में इतना वक्त लग जाता है कि हम जिस टेक्नोलॉजी को लेटेस्ट मान के लेते हैं वो ऑलरेडी पुरानी होती है? और क्या ये MQ-9 रीपर के मामले में भी है? रीपर्स बहुत अच्छे ड्रोन से, आई एम श्योर जिस विजडम में सर्विसेज ने ये डिसाइड किया कि उनको जरूरी है, क्या इससे भी ज्यादा एडवांस और कटिंग एज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और क्या हम वो नहीं ले रहे हैं? निखिल, आपने बहुत सही कहा. दिस इज, वी आर ऑलवेज लुकिंग, क्योंकि हमारी जो प्रोक्योरमेंट साइकिल्स इतने लंबे हैं कि जब तक आप ये बात शुरू करते हो, देन दैट यू नो गोज इनटू दिस होल लूप डिसीजन मेकिंग, सब यू हैव टू गेट एवरीबॉडी ऑन बोर्ड, एंड बाय द टाइम इट इज 6-7 years. ये सी गार्डियन की जो प्रोक्योरमेंट साइकिल इटसेल्फ इज अबाउट 5 years, 4-5 years हम जो बात कर रहे थे, एंड इट्स स्टिल नॉट रीच द AON येट. Acceptance of necessity, जो पहले तो पहले स्टेज पहुंचने के लिए we already spent about 4 or 5 years, but that is only a pure acquisition process. जैसे आपने बहुत सही कहा है, this is a very right thing that we are not investing enough time, money, effort, future acquisitions के लिए. तो you will always be behind the cycle. आप always be, you know, you'll always be running behind the bus. क्योंकि आपने इन्वेस्ट नहीं किया, दैट काइंड ऑफ थिंग. तो ये ठीक यही हो रहा है अपाची के साथ भी, ये होगा. और अगर आप देखोगे तो वी आर नाउ अक्वायरिंग अ होल लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज जो मैंने कहता हूँ दे आर कम्प्लीटली ऑब्सोलीट. बट क्या आप अपाचीज उस तरह डिप्लॉय कर सकते हैं नॉर्दर्न फ्रंटियर्स में, लद्दाख में या सिक्किम में, जिस तरह से आप वेस्टर्न फ्रंट में डिप्लॉय कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते हो तो देन व्हाई डिड यू गो इन फॉर दैट एक्विजिशन? देयर आर क्वेश्चंस, ऐसे सवाल उठाने चाहिए कि आपकी जो acquisitions है, it should not be only for one front or one country or एक theater को specific. It should be generally where you can you know apply the maximum number of this thing. क्योंकि आपकी जो fronts है, दो fronts है, दो countries है आपके जो आप मानते हैं hostile neighbors है, तो इसलिए you have to and आपकी जो budgets है वो they are not going to go up significantly. इसलिए the kind of thought process that has to go into this has to be of a different order. और जैसे आपने कहा, वी आर ऑलवेज बी चेसिंग दिस एक्विजिशन साइकिल, क्योंकि आपने इन्वेस्ट नहीं किया, बिकॉज योर डिसीजन मेकिंग इज सो लेट, देन ऑल द अदर कंट्रीज जो है दे विल स्टार्ट कमिंग एंड ऑफरिंग यू टेक्नोलॉजी विच इज 40 years यू नो ओल्ड, और फिर वो थोड़ा डील स्वीटन करके आपको बता, नहीं नहीं ये तो अभी आ जाएगा जी 12 महीने में या 24 महीने में एंड ऑल दैट. तो आपको जो ये इंस्टेंट शुगर रश की जो तलाश में हम हमेशा रहते हैं, मेरी जो एक कंपैरिजन मैं देता हूं कि हम हमेशा इंस्टेंट कॉफी के पीछे दौड़ते रहते हैं. और ये जबकि R&D जो है प्रोजेक्ट्स डेवलप करने, इट इज लाइक यू नो ग्रोइंग कॉफी, कि आपने किसी ने आपको आके बता दिया कि एक कॉफी प्लांटेशन है, इसको ऐसे प्लांट कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, फिर ना कि आप अपने लिए कंजम्पशन के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप कॉफी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. तो उस तरह से तो सर्विसेज का एक मानना है कि नहीं नहीं हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंस्टेंट कॉफी चाहिए, कैसे भी हम आपको
आपको आके हमें पिलाने चाहिए. तो इस तरह की एक मेंटालिटी है और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट है इट इज इमीडिएट, इट इज इंस्टेंट, क्योंकि आपके लाइव बॉर्डर्स है, लड़ाई तो आज हो रही है, लड़ाई आज बिल्कुल हो रही है, आप फेस ऑफ आज हो रहे हैं. तो इट इज नॉट दैट यू कैन वेट 10 years. तो उनकी भी एक, बट इट इज फॉर द गवर्नमेंट, निखिल अगेन दिस इज अ पॉइंट दैट आई हैव बीन रेजिंग अगेन, इट इज फॉर द गवर्नमेंट टू इंटरवीन एंड से कि what is the best balance that we have to do between R&D, acquisitions, क्या आपको focus करने हैं, कितने आपको खरीदने हैं, क्या ये tri-services acquisition होनी चाहिए, that kind of thing has to take a lot of governmental thing. I hope it is happening at the political level. क्योंकि services का जो है कि we want this, we want it not today, not yesterday, we want it day before yesterday. तो इस तरह का जो attitude जाते हैं, तो government has to have a very considerate approach, एक overall kind of ये इस सब चीजों को balance करते हुए. एक चीज जिसको लेकर के जैसे अभी हम बहुत दिन बाद किसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के प्रोक्योरमेंट के बारे में कोई खबर देख रहे हैं, इससे अभी कुछ महीने पहले तक के कीवर्ड प्रोक्योरमेंट के जगह था कि हम लीज कर लेंगे, ठीक है, हम बहुत सारा हार्डवेयर लेंगे, ज्यादातर वो वेस्टर्न होगा और उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत महंगा है, इसलिए हम लीज कर लेंगे. ये चीज जो कल खबर ब्रेक हुई है इसमें कह रहे हैं कि आप 22,000 करोड़ में प्रोक्योर कर लोगे 30 drones. ये लीजिंग और प्रोक्योरमेंट वाला कंफ्यूजन MQ-9 रीपर्स के मामले में कैसे रिजॉल्व किया गया? निखिल, इट्स वेरी क्लियर. वन इज ऑफ कोर्स दैट दे वांटेड टू ओन द प्लेटफॉर्म्स, और इतने अगर आप इतने सारे लीज करोगे 20-30 जो आपकी रिक्वायरमेंट है, द रेवेन्यू बजट विल गो अप. दैट इज वन रीजन व्हाई दे डिसाइडेड टू गो इन फॉर अ कैपिटल एक्विजिशन, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन. अगर उन्होंने ले लिया कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट, यू नीड इट, यू हैव टू बाय इट, तो लीज का लीज मेरे ख्याल में जो व्हाट द आइडिया ऑफ दैट लीज वाज, वो उसकी कैपेबिलिटी समझने के लिए उन्होंने किया, एक तरह से एक टेस्टर, एक एपेटाइजर के तौर पे उन्होंने एक्वायर किया, एंड दे हैव बीन ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ दे हैव बीन फ्लाइंग इट. तो वहां से काफी सारा फीडबैक बनाया, एंड दे हैव बीन मीटिंग्स बिटवीन द सर्विसेज वेयर द नेवी हैज सेड लुक दीज आर द कैपेबिलिटीज ऑफ द प्लेटफॉर्म, हमने ये किया है एंड दिस इज हाउ इट कैन बेनिफिट यू. आर्मी को अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने हो या इस तरह से, यू कैन डू इट लाइक दैट, यू डोंट हैव टू गेट द एयरफोर्स इनटू इट, एयरफोर्स को अगर ये करना है तो यू कैन यूज इट. तो इस तरह से एक काफी इंफॉर्मेशन आ गया है अबाउट दिस प्लेटफॉर्म जो हमें पहले नहीं था, क्योंकि आपने एक्चुअली डिप्लॉय किया है इंडियन कंडीशंस में. अंतिम दो सवाल हैं संदीप हमारे MQ-9 रीपर्स को लेकर के. एक जो बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है और आई एम श्योर ये भी एक चीज प्रोक्योरमेंट वाले डिसीजन की तरफ जाने में रही होगी कि डेटा की ओनरशिप किसकी होगी. ये सारे डेटा है भी, बहुत सारा डेटा जनरेट करते हैं, बहुत सारा डेटा ट्रांसमिट करते हैं, और जो जिन चैनल से ये ट्रांसमिशन होता है उनमें से सब कुछ इंडिया फिलहाल अभी की डेट में ओन नहीं करता है, तो हमें किसी ना किसी को ट्रस्ट करना पड़ेगा. और अभी ऐसे माहौल में इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग हो रही है जब डेटा थेफ्ट को लेकर के काफी चिंताएं जताई गई है, क्या कैसे इंश्योर किया जाएगा कि हम जो 30 drones ले लेंगे उनका जो डेटा जनरेट होगा वो सारा हमारे पास रहेगा और सिर्फ हम ही उसे इस्तेमाल करेंगे? निखिल, ऑन द फेस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक्चुअली आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन इट रिलेट्स टू एनी फॉरेन एक्विजिशन, चाहे वो प्लेटफॉर्म की हो या किसी सॉफ्टवेयर की हो. और मैं सॉफ्टवेयर एक तरह से मैलवेयर की बात भी कर रहा हूँ कि आप फॉरेन, अगर जो भी आप foreign platforms use karte ho, there is always a danger of that information leaking out. So they have to put in certain safeguards. I'm sure they're doing it. Ki yahan ki jo aapne data acquire kiya hai, that it will not go out of the country. Lekin jo experience raha hai hamara ki this is not the case. Nikin. Aur this is, jab bhi koi bhi foreign platform, when it comes up for even servicing, this is a fear that has been raised in Indian establishment ki foreign technicians aa jate hai, they just plug their laptop into the system. End user agreement. So, you know, we have access to the entire thing, and that data is what is the most important. Kyunki it is not so much about the platform ki capabilities, lekin kaise aapne deploy kiya hai, that whole thing can come down onto into a laptop now. So that is the problem with this data, and jo aapne jis tarah se aapne exploit kiya ho us system ko, it will be very difficult. I'm not saying it is
इट्स अ बिग थ्रेट बट देर इज ऑलवेज दैट थिंग कि इट कैन गो आउट ऑफ फॉरेन कंट्री एंड दिस इज ऑलवेज द डेंजर. जब भी आप कोई फॉरेन प्लेटफॉर्म अक्वायर करते हो यू डोंट हैव टोटल कंट्रोल ओवर इट. आपको लगता है कि यस वी हैव ओनरशिप, ये हम ये कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो एक्सप्लॉयटेशन है, यू डोंट नो द सोर्स कोड्स फॉर अ लॉट ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड सर्विसिंग पे व्हेन देयर इज एन इंटरफेस बिटवीन द मैन्युफैक्चरर और ये प्लेटफॉर्म, तो लॉट ऑफ डेटा यू हैव टू ट्रस्ट देम विद इट. तो उस तरह के ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं. बट इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू निखिल. आई होप दे हैव रिजॉल्व्ड इट. ये डेटा प्रोटेक्शन जो है व्हिच वी आर टॉकिंग ऑफ फॉर द प्राइवेट सिटीजंस, यू शुड बी डूइंग इट फॉर योर मिलिट्री हार्डवेयर एज वेल, क्योंकि बहुत सारे हमने एक्वायर किए ये खासकर यूनाइटेड स्टेट से PATI, सारा डेटा पे ही है जितना सारा डेटा इज जनरेटेड हियर. एंड एक्चुअली वी हैव सीन दैट इन प्रीवियस एक्विजिशंस आल्सो, जैसे हमारे इजराइल से जो UAVs हमने एक्वायर किए हैं, वो सारे जो उसकी जो डेटा है, ऑल दैट एक्सप्लॉयटेशन इज एक्चुअली बेनिफिट्स द मैन्युफैक्चरर इन अ सर्टेन वे, कि उन्होंने जितनी जो हमने डिप्लॉयमेंट किया है शायद इजराइल ने नहीं किया होगा, उनके जो प्लेटफॉर्म्स हमने जो यूज किए हैं, क्योंकि हमारे साइज इतनी है, ज्योग्राफी इतनी है और रिक्वायरमेंट्स इतने अलग अलग है, तीनों सर्विसेज डिप्लॉय कर रहे हैं उसे, सो दैट एक्चुअली हेल्प्स द मैन्युफैक्चरर. एंड दिस इज द नंबर वन रीजन निखिल कि हमें वी शुड डेवलप आवर ओन हार्डवेयर एंड आवर ओन सॉफ्टवेयर. जब आप इंडिजिनियसली कुछ डेवलप नहीं करते हो देन यू आर एट द मर्सी ऑफ foreign countries, आपके data protection issues पे आ जाते हैं all. So I think they again have to figure out a sweet spot इस area में कि this is the kind of thing and we will share data only on a case by case basis. या उसके protocols उन्होंने workout कर दिए, so I'm sure that is part of that deal that we've signed with the United States. मतलब US उस data का फिर भी जो करे उससे हमारे ही तो उतने प्रभावित हो ना हो, लेकिन एक गुंडा ही बैठा हुआ है हमारे northern borders में जिनका डेटा को लेकर के और चोरी और मालवेयर बनाने में वो लोग एक्सपर्ट्स हैं. मतलब अब वो तो अभी इजराइल का नाम हो गया पेगासस को लेकर के, लेकिन उनकी हिस्ट्री पुरानी है, वो करते रहते हैं. आखिरी सवाल MQ-9 रीपर को लेकर के संदीप हमारा ये है कि हमने अपाचीज के एक्सपीरियंस में देखा था कि एक ही कंट्री से लिया गया, US बनाने वाली कंपनी भी एक ही थी बोइंग, लेकिन वो दो सर्विसेज को गया, एयरफोर्स को गया और आर्मी को गया. बाद में ये सामने आया कि आपने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स किए, तो आपने इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स के लिए भी दो बार पे किया, आपने अपने जो ह्यूमन रिसोर्स की जो ट्रेनिंग है आपके ट्रूप्स की क्रूज की उसके लिए भी आपने दो बार ट्रेन किया. अब आप एक ड्रोन तीन सर्विसेज के लिए ले रहे हो, क्या इस तरह की दुर्घटना को अवॉइड करने के लिए कोई कदम उठाया गया है या उठाया जाएगा, आपकी क्या जानकारी है? बिल्कुल निखिल, दिस इज वन बिग एरिया ऑफ कंसर्न और दैट एक तरह से एक गोल्ड स्टैंडर्ड एग्जांपल जो है हमारे केस में कि तीनों सर्विसेज ने अपाची की नई केस में ये जो हेरन और सर्चर जो हमने इसराइल से खरीदे, तीनों सर्विसेज ने तीन अलग अलग डील साइन करके सेम ड्रोन्स अक्वायर किए और यहाँ तक कि इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है हमें बताया जा रहा है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट करते हैं, जिसका मतलब है कि नेवल जो कंट्रोल स्टेशन है, नेवल ड्रोन कंट्रोल स्टेशन आर्मी सिंह, इस तरह के साइलोज उन्होंने क्रिएट किए. लेकिन इस केस में दे आर ट्राइंग टू यूज दिस एज अ टेस्ट केस कि एक जॉइंट सर्विसेज प्रोक्योरमेंट कैसे कर सकते हैं टू इंश्योर कॉमनैलिटी ऑफ स्पेयर्स ट्रेनिंग सपोर्ट. एंड दिस इज जस्ट अ सजेशन, मे बी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत जो हमेशा बात करते हैं ये कॉमनैलिटी नहीं है, मे बी दे कैन टेक दिस प्रोक्योरमेंट अप एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड कि ऐसे करने चाहिए हमें प्रोक्योरमेंट टू इंश्योर दैट एवरीथिंग इज कॉमन, ये यू नो स्पेयर्स सर्विसिंग सपोर्ट ट्रेनिंग सब स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं एंड इट शुड बी द मॉडल फॉर फ्यूचर एक्विजिशंस. लेकिन मुझे जहां तक के पता है आई नो दैट दिस इज समथिंग दे आर वेरी अक्यूटली अवेयर ऑफ एंड दे वांट टू अवॉइड. संदीप, हम एक कॉमनैलिटी ला सकते हैं प्रोक्योरमेंट में, ट्रेनिंग में और बाकी आपके जो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हमको पैसे का खर्च हो रहा है और हमारा समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन हमें तीनों सर्विसेज के लिए तीन अलग कैपेबिलिटीज चाहिए होंगी ड्रोन्स में, क्योंकि तीनों सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल ही धरती पाताल आकाश टाइप का मामला है. क्या इस तरह के चेंजेस एनहांसमेंट्स हम 10-10-10 में रखने वाले हैं या फिर एक काफी कॉमन प्लेटफॉर्म होगा जो एक अलग अलग मोड में बस आप डिप्लॉय करोगे? I think a lot of the platform, Nikhil, I'm not very sure of the specifics, Joe, because that is still under negotiations and all that. We don't know exactly what is happening, but
बहुत टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट इट इज गोइंग टू बी कॉमन द थिंग ऑलमोस्ट 80-90% एंड फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टैंड एंड देयर विल जस्ट बी माइनर एनहांसमेंट्स जो एयरफोर्स और आर्मी की जो रिक्वायरमेंट्स है ज्यादा देयर मोर और लेस द सेम या बहुत सिमिलर है नेवी की जो रिक्वायरमेंट्स है काफी यूनिक है and that is something that we know that is going to be a problem kyunki navy wants a capability for sonar buoys submarine hunting capability chahte hain wo drones ko is drones ko use karne mein to that is one big naval requirement aur wo integrate karna chahte hain is in mq9s ko ye p8is aur MH-60R के साथ तो एक तरह से एक ट्रायंगल ऑफ एसेट्स बनाना चाहते हैं सो टू व्हाट एक्सटेंट विल यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन कैपेबिलिटीज दिस इज समथिंग दे विल लुक फॉर लेकिन नेवी इज गोइंग टू बी द वन दैट विल डिसाइड होपफुली तो हमें बहुत ही जल्द पता चलेगा व्हाट दे आर वर्किंग ऑन आई गेस यूएस में तो उनके हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स और मतलब बाकी सारे ही प्लेटफॉर्म्स कम्युनिकेट करते हैं मेरे ख्याल उसमें MQ-9 रीपर्स भी वो लोग तो कर ही रहे हैं yes, तो कॉन्सेप्ट yes. है हाँ दे फॉर देम इट इज ऑल प्लग एंड प्ले निकल इट इज जस्ट इट्स लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स कॉन्सेप्ट जैसे यू नो एवरीथिंग प्लग्स इनटू दैट वन बिग सिस्टम आर्किटेक्चर उनका जो है एवरीथिंग टॉक्स टू ईच अदर तो एक यू नो अनइंटरप्टेड पिक्चर ऑफ द बैटल्स हम ही है जो इतने सारे हर देश से इसराइल से यूएस से रशिया से यू नो वी हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिजिनस के यू नो कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं दैट्स आवर बिग वरी चलिए संदीप आखिरी कुछ कमेंट्स हमको चाहिए अभी सेनेटर ब्लिंकन यहाँ पे आए थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस और ऐसे समय पे आए थे जब हमारी काफी चिंताएं हैं अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसको लेकर के इससे पहले भी हुआ था लेकिन इस बार वो तस्वीरें वो वीडियोज हैं क्योंकि टीवी और इंटरनेट का जमाना है कि किस तरह पाकिस्तान के प्रकट समर्थन के साथ में अफगानिस्तान ना सिर्फ वहाँ पे क्रॉसिंग सप्लाई कर रहा है अब वहाँ पे बड़े डिस्ट्रिक्ट्स बड़े शहर और कहा जा रहा है धीरे धीरे वो काबुल की तरफ भी बढ़ ही रहे हैं इस समय ऐसे नाजुक समय पे सेक्रेटरी सर ब्लिंकन के विजिट को आप कैसे देखते हैं जो स्टेटमेंट्स निकाले गए हैं जो स्टेटमेंट्स उन्होंने रिलीज किए हैं निखिल टू फोल्ड रिक्वायरमेंट एक तो सेक्रेटरी ब्लिंकन जो आया इट इज बेसिकली टू रीअश्योर इंडिया की जो इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दैट इज वेरी मच ऑन ट्रैक और मार्च में डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन भी आए थे तो दैट इज वन इशू एंड सेकेंड वाला जो है इट इज जैसे आपने कहा कि इट इज अफगानिस्तान इज अ वेरी एक बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रही है और तालिबान एक्चुअली हैज यू नो इन द लास्ट यूएस विड्रॉल के तुरंत बाद दे हैव द नंबर ऑफ प्रोविंसेस दे हैव कैप्चर्ड बहुत सारे आई थिंक इट इज 100 प्लस 120 130 प्रोविंसेस उन्होंने कैप्चर किए गवर्नमेंट के पास सिर्फ 70 या 80 प्रोविंसेस है और अबाउट 170 प्रोविंसेस में इंटेंस फाइटिंग हो रही है तो इट इज इन अ वेरी वेरी डेलिकेट सिचुएशन और इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फ्लैशबैक जैसे कि 1990s में हुआ था सोवियत विड्रॉल के बाद अफगान गवर्नमेंट ने काफी साल तक उन्होंने फाइट किया लेकिन वो काबुल कंट्रोल कर रहे थे लेकिन उस वक्त के जो मुजाहिदीन थे वो पूरे कंट्री साइड कंट्रोल कर रहे थे ठीक उसी स्थिति आ रही है लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज जो इम्पोर्टेंट एक गेम चेंजर के तौर पर है वो है एयर सपोर्ट जो कि अफगान एयरफोर्स है काफी सक्षम है यूएस हार्डवेयर है उनके पास वो किस तरह किसी भी तरह से वो बैटल फाइट कर रही है लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा एक ब्लीक सा ये सिचुएशन मालूम पड़ रहा है क्योंकि हमें क्या पता है अगले साल तक क्या होगा तालिबान तो होल्ड आउट कर सकते हैं ऐसे लड़ते जाते हैं क्योंकि जो कॉस्ट है बहुत कम है कॉस्ट ऑफ डिफेंस इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ ऑफेंस अफगानिस्तान में जो so that is one very big area of concern or a most important statement jo I think which came out of that discussion with foreign minister jaishankar ne jo kaha ki afghanistan mein jo bhi hota hai it should not be decided on the battlefield aur wo ek bahut hi ek important statement hai ki aap kyunki you are encouraging many other countries across the world ki agar aapne is tarah ki irregular force khada kar diya or you can you know go and destabilize a neighbor and you know overthrow a legitimately elected government jaise ki afghanistan ki jo government hai so they are
ऑल इन फेवर ऑफ टॉक्स एंड दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड, कि ना कि इस तरह के जो एक मिडीवल एक ट्राइबल इस की तरह के जो पुराने जमाने में ट्राइबल इन्वेडर्स आते थे उस तरह की जो जियोपॉलिटिक्स है, यू कैन नॉट फाइट दैट इन द 21st सेंचुरी. दैट इज द बिग स्टेटमेंट दैट केम आउट ऑफ दिस थिंग. और इंडिया बहुत कंसर्नड है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारी कोई बाउंड्री नहीं है, बट इट इज एन बिग एरिया ऑफ कंसर्न, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि वी हैव यू नो टेररिस्ट वहां पे सेंचुरी लेके इंडिया को टारगेट करने लगे, या फिर हमने जो अफगान गवर्नमेंट की जो हमने जो सपोर्ट दी है पिछले 20 साल में, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल प्रोजेक्ट्स हमने खड़ा किया, डैम्स बनाए, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किए, उसको इफेक्ट नहीं कर दिया, क्योंकि आर कंसर्न निखिल इज नॉट सो मच अबाउट द मिलिट्री स्ट्रेंथ और एनीथिंग ऑफ द थिंग, इट्स अबाउट द वेल बीइंग ऑफ द अफगान पीपल. और वो हमेशा हमारे एक फॉरेन पॉलिसी की एक एक यूनिक एस्पेक्ट रही है कि वी आर नॉट सो मच अबाउट बिल्डिंग मिलिट्री पावर एज मच अबाउट यू नो रीचिंग आउट टू द पीपल एंड यू नो हेल्पिंग आउट इन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, दोस काइंड ऑफ थिंग्स. सो दैट इज अ वेरी बिग एरिया ऑफ कंसर्न फॉर अस. संदीप, अगर सोवियत विड्रॉल के बाद के हालात और अभी को कंपेयर करें तो अभी तक तो ऐसा लग रहा है, ये इस बार थोड़ा सा ज्यादा ड्रामेटिक है लेकिन लगभग उसी लाइन पे हम चल रहे हैं. हाइपोथेसिस ये, अगर इस एक मतलब हाइपोथेटिकली हम सोचें, है ना, कल्पना करें इस बात की कि कल को काबुल में अगर गनी नहीं भी हटते हैं तो उनको पावर शेयर करनी पड़ जाती है तालिबान के साथ में इन सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट, क्या हमारी तब क्या स्थिति होगी? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि तालिबान धीरे धीरे एक आउटरीच मोड में है, वो चीन जाकर के भी बात कर रहे हैं. हमारी तालिबान से जो हमारा जो अभी तक रापता हुआ है उसकी क्या स्थिति, हमने किस लेवल पे बात की है और जो बातचीत हुई है उसके कंसर्न क्या थे? क्या वो मिलिट्री थे अपने नेचर में या फिर वो किसी दूसरे तरह के कंसर्न थे? निखिल, वी डोंट नो मच अबाउट द टॉक्स जो भी हुए हैं, अब तक वो बाहर नहीं निकले, बट फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग इट वाज नॉट एट द मिलिट्री लेवल, इट वाज एट मोर ऑफ द इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फॉरेन एमईए लेवल. तो उस तरह के कॉन्टैक्ट्स हमने एक्सप्लोर किए विद द तालिबान, जस्ट टू यू नो आई थिंक दिस इज द राइट थिंग टू डू, क्योंकि वी इफ द यूएस इज टॉकिंग टू देम, द अदर कंट्रीज आर टॉकिंग, ये नहीं कि वी शुड क्लोज आवर डोर्स. We should never close our doors to any side, no matter how reprehensible they are. But that does not mean that at the end of the day, aap unhe ek legitimacy do. But you baatcheet zarur karni chahiye, and that is what I think our approach has been. And it is just to ensure that if there is some way ki India ki jo goodwill ek enjoy karti hai with the Afghan people, aur hamare sambandh to bahut purane hain, hundreds of years, bahut purane hain, ki hum ye jo रविंद्रनाथ ठाकुर की जो कविता है, स्टोरी है, काबुली वाला जो स्टोरी है, दैट इज मोर ऑफ द इंडिया अफगान स्टोरी मोर देन एनीथिंग एल्स. सो उस तरह के आई थिंक दे आर लुकिंग एट दोज काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट्स रादर देन एनीथिंग एल्स. एंड आई थिंक अल्टीमेटली आवर थिंग इज कि जैसे कि उन्होंने कहा, जयशंकर साहब ने कहा कि इट शुड नॉट बी मिलिट्री ओवर थ्रो, इट शुड बी सम वे वेयर द अफगान पीपल हैव अ ग्रेटर से एंड देयर इज अ कंसेंसस. And it can be a government that is of the Afghan people. Aisa nahi ki aapne aage, you have, you know, mobilized 50,000 soldiers and you have captured the country. Us tarah ki situation nahi honi chahiye. So it is, our interest is that it should be a government of the Afghan people, by the Afghan people and for the Afghan people. Or outside power should not have the kind of control. Jaise ki unka, I think their indication is towards Pakistan and control of the Taliban. It should be a government of the Afghan people. Or you raise that point ki ye kya wo dono aa sakte hain, power sharing agreement kar sakte hain. I think Nikhil, agar aap dekhoge, this is the only way forward. Agar aapko ye if you have to go ahead, kyunki aapne 20 saal tak United States ne try kiya Taliban ko defeat karne mein, they have not been, they have failed and they have withdrawn. Now दूसरी कोई ऐसे मुल्क नहीं है जिसके पास इतनी कॉम्बैट पावर हो कि आप तालिबान को मिलिटरली डिफीट करें. तो व्हाट इज द अदर ऑप्शन? तो मे बी यू कैन लुक एट द चाइनीज ऑप्शन आल्सो. अब चाइना इज यू नो इंटरवीनिंग एज सून यू नो दे आर ट्राइंग टू एक्ट एज अ ट्राइंग टू फिल अप द गैप जो यूनाइटेड स्टेट्स ने छोड़ी है अफगानिस्तान में. बट ये हमें देखने को हमें ये देखना पड़ेगा कि विल दे डिप्लॉय ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड.
या फिर दे विल ओनली यूज पाकिस्तान टू इंटरवीन इन अफगानिस्तान, क्या वो प्रॉक्सी की तरह पे बिहेव करेगी या ट्रूप्स डिप्लॉय करेगी या पैसे से काम चलाएगी, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच चाइना का क्या रोल रहेगा. बट एट द एंड ऑफ द डे दैट इज द वॉर इज नॉट एन ऑप्शन इन अफगानिस्तान. एंड जो आपने किया था 1996 में, पूरी दुनिया को सबक मिला क्या हुआ उसके बाद, जब अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान पूरे अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हुआ 96 से लेके 2001 तक. सो दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन कैन नॉट बी रिपीटेड वेयर अ आर्म्ड गिरिला ग्रुप कैप्चर्स पावर. और यूनाइटेड स्टेट्स जो एक चीज पे हमेशा फोकस कर रही है वो ये है कि लेजिटिमेसी नहीं है इस गवर्नमेंट के पास. That is one big area ki they should have legitimacy. Kyunki wo keh rahe hain ki dekhiye pehle jaisa hoga 1996 ki situation jaisa ki aap ek paraya nation ki tarah aap chalaoge aapki sarkar, teen hi desh aapko recognize karenge. Aur shayad is baar ye bhi mushkil ye kehna hai ki Pakistan ke alawa aur koi desh kya unhe recognize karegi. Ho sakta hai Qatar karegi ya Saudi Arabia, but that is again the same thing. It will turn that whole country into a North Korea jaise country ko turn karegi. So these are the ways that I think countries like the United States and India and maybe if China is on board with this to try and get some kind of legitimacy, ye legitimacy factor ko agar aap emphasize karke, if you can get a settlement, if you can get the Taliban to the negotiating table or maybe even a coalition government can be considered, Nikhil. Lekin after the Taliban, they have to lay down their weapons. वो भी है कि आप ये नहीं कि आप एक parallel army carry कर, you know, you bring your own army and you run the country with that. So this is a way forward. मेरा ये मानना है. And I think this is what the other countries are also working towards. चलिए इसी के साथ रखवाले की इस किस्त को भी अब उसके अंत की ओर ले जाते हैं. श्रीलंका में भारत के हस्तक्षेप के IPKF के प्रवेश के 34 साल पूरे हो गए. टीम रखवाले IPKF के सभी बैटल कैजुअलिटीज को, चाहे उन्होंने अपना जीवन दिया हो चाहे उन्होंने दूसरे तरह का कोई नुकसान सा हो, उन सभी को नमन करती है और शुक्रिया करते हैं हम संदीप आपका भी, जो जिन्होंने आज भी एक पूरा घंटा निकाला है हमारे लिए. थैंक यू. और थैंक यू हमारे दर्शकों का भी जो हमारे एपिसोड देखते हैं.